हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ति एवं पूर्ति की लोच भाग दो। भाग एक में हमने बात की थी पूर्ति का क्या अर्थ है, पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति के नियम का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, पूर्ति के नियम की क्या मान्यताएं हैं, तो इस बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज के वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और पूर्ति के नियम के अपवाद कौन कौन से हैं, तो इन टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों से। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं, तो उनमें सबसे पहला एलिमेंट या फैक्टर आता है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि वस्तु की कीमत भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। किस प्रकार से? वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि होती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी होती है। तो इस प्रकार से वस्तु की कीमत वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना परिवहन एवं संचार के साधन। परिवहन एवं संचार के साधन भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यदि परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि होती है तो वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होगी। आसानी से ऐसे क्षेत्रों से वस्तु की पूर्ति की जा सकेगी जहां से पहले नहीं की जा रही थी, यानी कि वस्तु की पहुंच मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इसका इफ़ेक्ट होगा कि परिवहन और संचार के साधनों का विकास होने पर वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होगी है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन तकनीक, यानी कि प्रोडक्शन की जो टेक्निक है यदि उसमें किसी भी प्रकार का सुधार होता है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से उत्पादन की तकनीक भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। मान लीजिए किसी देश में उत्पादन की तकनीक पिछड़ी हुई है, पुरानी तकनीक काम में ली जाती है, मशीनें प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ वस्तुओं का उत्पादन भी कम होगा, और जब वस्तुओं का उत्पादन कम होगा तो मार्केट में वस्तु की पूर्ति भी कम होगी। इस प्रकार से और इसी प्रकार से यदि उत्पादन की तकनीक में सुधार हो जाता है, नई नई तकनीकें लगा दी जाती हैं, नई मशीनें काम में ली जा रही है, तो वृद्ध मात्रा में उत्पादन होगा और वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उत्पादन की तकनीक भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादक के उद्देश्य। उत्पादक के क्या उद्देश्य हैं? यदि उत्पादक का उद्देश्य बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का है तो ऐसी सिचुएशन में वो पूर्ति में वृद्धि करेगा, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से उत्पादक के उद्देश्य में भी उत्पादक का उद्देश्य भी पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट देखिए संबंधित वस्तुओं की कीमतें। जो संबंधित वस्तुएं हैं मैंने आपको पहले बता दिया था, संबंधित वस्तुओं में स्थानापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, इनको सम्मिलित किया जाता है। स्थानापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिन्हें एक के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है या एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है, जबकि पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनमें एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे की पूरक होती है। तो इस प्रकार से संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी वस्तुओं की पूर्ति को प्रभावित करेंगी। किस प्रकार से? किसी वस्तु की स्थानापन वस्तुओं के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो जो मेन वस्तु है, मुख्य वस्तु है, उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। कारण क्या है इसका? क्योंकि स्थानापन वस्तुओं का उत्पादन और विक्रय करने पर लाभ बढ़ेंगे, इसलिए स्थानापन वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होगी और मेन वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाएगी।
इस प्रकार से संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है इसी में, वस्तु की मांग, वस्तु की जो डिमांड है वो भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। किस प्रकार से प्रभावित करेगी? यदि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो पूर्तिकर्ता उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि मांग बढ़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में यदि वो पूर्ति बढ़ाते हैं तो उनके लाभों में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर उत्पादकों द्वारा या पूर्तिकर्ताओं द्वारा उस वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है देश की आर्थिक स्थिति, यानी कि किसी भी देश की आर्थिक परिस्थितियाँ वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि किसी देश में अर्थव्यवस्था में किसी समय पर तेजी की स्थिति विद्यमान है तो ऐसे सिचुएशन में कीमतों में वृद्धि होती है, और जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उत्पादकों के लाभों में भी वृद्धि होती है, और जब उत्पादकों के लाभों में वृद्धि होने लगती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति को वो बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से यदि देश में तेजी की स्थिति है तो पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि देश में मंदी की स्थिति विद्यमान है तो इस परिस्थिति में उत्पादक वस्तु की कीमतों में कमी होने लगती है। जब वस्तु की कीमतें कम होती है तो उत्पादकों के लाभ भी घटने लगते हैं, और जब उत्पादकों के लाभ घटते हैं, लाभों में कमी होने लगती है, तो उत्पादक वस्तुओं की पूर्ति को कम कर देते हैं, उनको हतोत्साहन मिलता है और वस्तुओं की पूर्ति में भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से मंदी की स्थिति में वस्तुओं की पूर्ति में भी कमी होने लगती है। नेक्स्ट देखिए आप, उत्पादक एवं विक्रेताओं की रुचि, उत्पादक और विक्रेताओं की रुचि किस प्रकार की है, ये परिस्थिति भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगी। अर्थात यदि उत्पादक और विक्रेता किसी वस्तु विशेष में रुचि रखते हैं, उसमें उनका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में उस वस्तु की पूर्ति को वो बढ़ा देते हैं, उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, उत्पादक एवं विक्रेताओं के गठबंधन, उत्पादक और विक्रेताओं के गठबंधन क्यों बनते हैं? उत्पादक और विक्रेता यदि अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपने गठबंधन बना लेते हैं। गठबंधन का मतलब है कार्टेल, समूह बना लेते हैं, और ऐसी सिचुएशन में यदि वो गठबंधन बना लेते हैं तो वो वस्तु की पूर्ति में कमी कर देते हैं, क्योंकि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और लाभों की प्राप्ति कब होगी? जब मार्केट में वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाएगी, तो इस प्रकार से वो वस्तुओं की कृत्रिम रूप से कमी उत्पन्न कर देते हैं। तो इस और कृत्रिम रूप से कमी उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से उत्पादक और विक्रेताओं के गठबंधन भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी किस प्रकार की है। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी दो प्रकार की हो सकती है, या तो देश की सरकार उदार नीति अपनाए, लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है, या हार्ड पॉलिसी, कठोर नीति को अपना सकती है। यदि सरकार उदार नीति अपनाती है, ऐसे सिचुएशन में सरकार करों में छूट देती है, अनुदान और आर्थिक सहायता देने लगती है, तो ऐसे सिचुएशन में उत्पादन में वृद्धि होगी और पूर्ति में भी वृद्धि होगी। यदि सरकार कठोर नीति अपनाती है, ऐसी स्थिति में सरकार भारी मात्रा में कर लगाती है, अनुदान और आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी, या दी जा रही है तो उसमें कमी कर दी जाएगी, लाइसेंस की अनिवार्यता को अपनाएगी। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार इस प्रकार अनुदान में कमी कर देगी, लाइसेंस की अनिवार्यता को अपनाएगी, या बड़ी मात्रा में टैक्स लगा देती है, तो उत्पादकों के लाभ घटने लगते हैं, जिससे उत्पादन में वो कमी कर देते हैं, और जब उत्पादन में कमी हो जाती है तो वस्तु की पूर्ति में भी कमी होने लगती है। तो इस प्रकार से सरकारी नीति भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन के साधनों की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें किस प्रकार से है। हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। यदि इन उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि होती है तो
तो इसका प्रभाव होता है लागतों पर, लागतें भी बढ़ जाएगी, और जब लागतें बढ़ जाती है तो लाभ कम होने लगते हैं, और उत्पादक मुख्य रूप से लाभ प्राप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। लेकिन जब इनके लाभों में कमी होने लगती है तो इसका प्रभाव क्या होगा, ये अपनी पूर्ति को कम कर देंगे, क्योंकि कम लाभ के लिए ये कार्य नहीं करते। तो जब उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति में कमी होने लगती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट थे या ये कुछ तत्व थे जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अगला अपना पॉइंट है नेक्स्ट जो मेन हेडिंग है, पूर्ति के नियम के अपवाद। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता? तो देखिए, सबसे पहला है कृषि पदार्थों की पूर्ति। देखिए, कृषि पदार्थों की पूर्ति, कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो जाए, कृषि पदार्थों की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। कारण क्या है, एग्रीकल्चर में जितनी हमने वस्तु जमीन में दी है वहाँ से उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा, उनकी पूर्ति को हम एकदम से नहीं बढ़ा सकते। तो इस प्रकार से कृषि पदार्थों की पूर्ति पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, चाहे कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो जाए, कृषि पदार्थों की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है पुरानी कलात्मक वस्तुएं। जो पुरानी कलात्मक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति को भी नहीं बढ़ाया जा सकता, उनकी कीमतों में कितनी भी वृद्धि हो जाए, लेकिन चूंकि वो पुरानी वस्तुएं उसी समय पर चलन में थी, उनकी पूर्ति को अब नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस प्रकार से इन पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य में कीमत में वृद्धि या कमी की संभावना। यदि भविष्य में कीमतों में वृद्धि की संभावना है तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में वस्तुओं की पूर्ति कम कर दी जाएगी। सप्लाईकर्ता कीमतों की बढ़ने की प्रतीक्षा करेंगे और जब कीमतें बढ़ेंगे तभी वो पूर्ति बढ़ाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यदि भविष्य में कीमतों में बढ़ने की संभावनाएं हैं तो पूर्ति कम कर दी जाएगी, और यदि भविष्य में कीमतों में कमी की संभावनाएँ हैं तो पूर्ति में वर्तमान समय में ही वृद्धि कर दी जाएगी। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में, भविष्य में कीमतों में वृद्धि की संभावना हो या कमी की संभावना हो, दोनों परिस्थिति में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है नीलामी की वस्तुएं। जो नीलामी की वस्तुएं हैं, ऑक्शन गुड्स जो हैं, इन वस्तुओं की मात्रा पहले से निश्चित होती है, अतः कीमत में वृद्धि होने पर भी इनकी पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती, इसीलिए इन वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। अगला पॉइंट है अल्प विकसित देशों में श्रम की पूर्ति। यानी कि जो अल्प विकसित देश हैं उनमें श्रम की पूर्ति पर भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि अल्प विकसित राष्ट्रों में मजदूरी की दर में वृद्धि होने पर श्रम की पूर्ति बढ़ने के स्थान पर घट जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, श्रमिक कम काम करके भी पहले के जितनी मजदूरी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, श्रम का जब हम नियम पढ़ेंगे, मजदूरी का नियम, तो उस समय हम देखेंगे कि श्रमिक एक समय ऐसा आता है जब वो काम के बदले में आराम को प्रतिस्थापित करते हैं, अर्थात जब उसे पहले की जितनी मजदूरी प्राप्त हो जाती है उस सिचुएशन में वो काम करना पसंद नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में वो अधिक से अधिक आराम करना पसंद करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाता, उनकी एक मेंटेलिटी हो जाती है कि हमने पहले जितना पैसा प्राप्त कर लिया है तो अब हमें अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कीमतें बढ़ने पर भी वो श्रम की पूर्ति अधिक नहीं देते, श्रम की पूर्ति बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में श्रम की पूर्ति नहीं बढ़ पाती और इन परिस्थितियों में पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से ये पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद हमने देखे। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।